इसी डेडली डिसीज ने पूरे देश की क्या हालत कर दी है, ये किसी से भी नहीं छुपा। एक और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है, लॉकडाउन एटलीस्ट 1 मंथ से लगा हुआ है, हम लोगों को अपने घरों में रहना पड़ रहा है, फेस गार्ड्स पहनकर, फेस मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत हुई हुई है। इस टाइम हमारा इंडिया तो वैसे ही पॉवर्टी लाइन में है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हमारे इंडिया को। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, खाने का सामान नहीं मिल पा रहा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी पीछे, आप मेरे पीछे जो किट्स देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर पूरा राशन का सामान है, जिसमें जो डेली नीड्स हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगी, आटा, दाल, चावल, तेल वगैरह। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं शिव वेलफेयर सोसाइटी के ऑनर मिस्टर बिट्टू गुंबर जी से, जो ऑलमोस्ट 1 मंथ से, जब से ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है, तब से निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सूखा राशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सेवा इसी तरह जारी रहेगी जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। तो हम रोज़ इसी तरह गाड़ी में सामान लोड करा के वहाँ वहाँ पहुँचाते हैं, जहाँ से हमारे को कॉल्स आती हैं, जैसे पुलिस प्रशासन की ओर से या किसी ज़रूरतमंद परिवार की ओर से कि यहाँ पर राशन मुहैया करवाना है, तो हम सुबह से ही निकल पड़ते हैं। गवर्नमेंट की आपको कितनी हेल्प मिल रही है, आपके वार्ड के काउंसलर्स की कितनी हेल्प मिल रही है? बिकॉज हमने देखा है कि आप अकेले इतना अच्छा आपने स्टेप उठाया, तो आपके साथ ऑलमोस्ट कितने टीम मेंबर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आप घर घर तक लोगों को इतना अच्छा स्टेप उठा के राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं? मेरी सोसाइटी के तकरीबन 11 लोग हैं हम लोग, वही सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। ना तो हमारे को कोई गवर्नमेंट की हेल्प है, ना किसी काउंसलर की है, ना मोहल्ला प्रधान की है, ना ही जिला प्रेसिडेंट की है, किसी भी तरह की कोई सरकारी मोहलत नहीं मिल रही। तो ये जो सारा सेवा का कार्य है, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से ही हो रहा है, शिव वेलफेयर सोसाइटी सामने रेलवे स्टेशन। हमें बताइए इस किट में थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि क्या क्या सामान आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और लुधियाना के किस एरिया को आप कवर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी तरफ से डोर टू डोर ये लोगों को सामान पहुँचाया जा रहा है? आज मैंने तकरीबन 1 महीने में पूरे लुधियाने का कोई एरिया नहीं छोड़ा है। तो जो हमारे पास जो किट आप देख रहे हैं, इसके अंदर 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो चीनी है, और 2-3 तरह की 1-1 किलो दालें हैं, नहाने वाला साबुन है, तेल है, और बेसन है, गुड़ है, जो भी ज़रूरत का एक सामान होता है, जिसके साथ 10-12 दिन उसके निकल सकते हैं छोटे परिवार के। बताइए कि आप की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप तो उठाया ही जा रहा है, आप कर रहे हैं लोगों की सेवा, तो जो हमारे MLAs हैं, लीडर्स हैं, वो हमें कहीं बाहर नज़र नहीं आते इस तरीके की वेलफेयर का काम करते हुए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, MLA के वगैरह तो मैं देखा नहीं हूँ कभी भी, एक दो बार संजय तलवार जी या भारत भूषण आशू जी को देखा है, तो जब भी उनसे फ़ोन पर बात होती है तो उनकी वो बोलते हैं हमारी टीम पूरी जो कि फील्ड में काम कर रही है। तो फिर भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो पंजाब सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, इस दुख की घड़ी में आप बाहर निकल के लोगों की जितनी हो सकती है आप सेवा करो। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, आपने इतना अच्छा जो आपकी तरफ से कदम उठाया जा रहा है, होप हम तो यही चाहेंगे कि ये विपदा की घड़ी फटाफट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो हमारे इंडिया से, पूरे देश से। अगर ये लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड होता है तो तब तक भी क्या आपकी तरफ से ऐसी सेवा जारी रहेगी? बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी इसी तरह, चाहे लॉकडाउन आगे 3 मई के बाद बढ़ता भी है, तो फिर भी मैं लोगों से अपील करता हूं कि प्लीज़ आप अपने घर में रहिए, अगर इस बीमारी से आपने मुक्ति डालनी है तो आपको आपके ज़रूरत का हर सामान आपके घर में पहुंच जाएगा, आप बस एक कॉल करो। थैंक यू
थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ शिव वेलफेयर सोसाइटी के जो ऑनर हैं मिस्टर बिट्टू गुंबर जी, जो एटलीस्ट एक महीने से जब से ये COVID-19 की बीमारी शुरू हुई है या ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उनकी तरफ से बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है, डोर टू डोर लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है और उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि उनकी किट में ज़रूरत का सारा सामान आपको मिल जाएगा और जब तक ये लॉकडाउन पीरियड रहेगा या आगे ये एक्सटेंड भी होता है उनकी तरफ से निरंतर यह सेवा लोगों के लिए जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा भसरीजा, टाइम्स पंजाब TV। We'll be right back.